वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टिप्स ऑफ डे कैड कैम ट्यूटोरियल्स में स्वागत है आपका। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट प्रोसेस में कैसे प्रोग्राम जनरेट होता है। अगर किसी के पास पोस्ट प्रोसेस नहीं है तो मुझे ईमेल कर दे, मैं उसको सेंड कर दूंगा, मेरे पास फाइल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पोस्ट प्रोसेस अगर आपके पास नहीं है तो आपको जाना है यहाँ पर विंडो सी में, और उसके बाद आपको जाना है प्रोग्राम डेटा। प्रोग्राम डेटा के बाद नीचे वैकेंसी आएगा, वैकेंसी के बाद आपको जाना है सबसे ऊपर वाले में। तो ये हमारा पोस्ट प्रोसेस की फाइल पड़ी है 18 MB की, ठीक है। तो ये मेरे पास दोसान का है ATC फानुक 2D 3D डाटा। तो चलिए इसको कट करता हूँ मैं। हमें कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करना है, ठीक है ना। मान लो मैं एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा मैं फास्ट ही करूँगा इसका कि जल्दी जल्दी बन जाए। और 50 ओके। और अगर हम टूल होल्डर लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से टूल होल्डर जो हमने पहले हमें कटर नेम सेव करना होगा, फिर टूल नोज हमारा होल्डर लगेगा, ठीक है। तो आपको इसको पहले सेव करना होता है टूल को। मैंने 20 mm का सेव किया। अब हम होल्डर फिट कर सकते हैं, होल्डर ओके 50 mm रिक्वायर्ड। यहाँ पे टूल इफेक्टिव लेंथ जो लिखनी होती है वो रिक्वायर्ड होती है कितनी रखनी है, ठीक है। अगर आप सही में 50 रखोगे तो 50 रखनी पड़ेगी, अगर 100 रखोगे तो आपको 100 रखनी पड़ेगी। होल्डर प्रोफाइल यस, नो होल्डर प्रोफाइल सिलेक्टेड, तो हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे 3D पे, तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक टूल क्रिएट किया था, देखिए ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो हम ये वाला यूज़ करते हैं, सिलेक्टेड ओके। एक सेकंड, अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, एस्केप ओके, डबल क्लिक करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ओके सेव। यहाँ पे टूल शो हो गया, स्ट्रोक पॉइंट 2 स्टेप ओवर हम ऑटो पे रखेंगे, और पॉकेट सेक्शन भी ऑटो पे, और यहाँ पे मैंने 1 mm का कट दिया है, और पार्ट मिनिमम कर देते हैं, ठीक है। पार्ट मिनिमम जितने हो गए अपने आप 214 का है, 14 की डेप्थ है, और इसकी मैं थोड़ी सी कट डेप्थ ज़्यादा कर देता हूँ जिससे टाइम कम लगेगा, ठीक है। और यहाँ से मिक्स कर देते हैं ओके। और तो फिलहाल और कुछ नहीं है इसका, और इसका हम कटर का डायमीटर भी चेंज करते हैं, हम इसको 50 रखते हैं, ठीक है। कॉर्नर रेडियस हम 6R रखते हैं, और लेंथ इसकी रखते हैं 12, ठीक है ओके। और हम ऑटो पे ये हमारे इसको कर दिया है, और इसके बाद एक्सपेंड विंडो कर देंगे, ठीक है, और ओके। और थोड़ा सा मुझे स्टॉक में चेंजेस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि ओवरऑल प्रॉपर साइड में जाए। तो यहाँ पे मैं यूज़र ब्लॉक करके इनको XY में एक्सटेंड कर दूँगा, जैसे ये इसको 260 कर देंगे, ठीक है, कि दोनों तरफ से वो थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाए। यहाँ पे 170 है, वहाँ से हम 171 कर देंगे। ओके डन। तो अभी प्रोग्राम जनरेट हो रहा है, और इसके बाद फिर पोस्ट प्रोसेस जनरेट करके बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये एक्चुअली में जितनी कमांडें ज़्यादा होगी, लाइन वर्कपीस जितना बड़ा होगा, या डाई ब्लॉक, कुछ भी जितनी पॉकेट होंगी कुछ भी होगा, अगर जितना बड़ा हमारा जॉब है कंपोनेंट है उसके हिसाब से प्रोग्राम टाइम लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 83% हो चुका है, और यहाँ पे जिसने कितनी ली है, 16,220, अभी तो 10,219 हुआ है, अभी 5,000-6,000 बड़ा पूरा।
जो पोस्ट प्रोसेस जब होता है उसमें इतना टाइम नहीं लेता है। आप पोस्ट प्रोसेस को डिलीट भी कर सकते हो और उसको दोबारा से रीजनरेट भी कर सकते हो। पोस्ट प्रोसेस दो तरह के होते हैं, कनेक्ट सारे प्रोग्राम एक में आ जाते हैं, एक होता है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो 55 आवर्स का ये प्रोग्राम बन रहा है। ठीक है, ओ माय गॉड, मिक्स हमने यहाँ पे बॉक्स कर दिया जहाँ पे स्पायरल रखना था। ओके ओके ओके, डन। तो लो मैं फिर से प्रोग्राम जनरेट कर देता हूँ। थोड़ा कम टाइम लगेगा क्योंकि पहले बॉक्सेस स्टेटर की बॉक्स वाली सिलेक्टर थी, तो जिसकी वजह से वो एक स्टेप कट लेता था, उसकी वजह से बार बार रीटेक हो रही थी उसकी। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और तो ये हमारा प्रोग्राम आप देख सकते हैं कि कैसे रन हो चुका है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से मैंने 5 mm लिखना था, मैंने 0.5 लिख दिया, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो यहाँ मैं 5 mm कर देता हूँ, दिक्कत तो नहीं है पर टाइम बहुत लग रहा है ना वर्क विद कोर्स के लिए। थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है जिसकी वजह से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं डाल पा रहा। आगे कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में जल्दी में वीडियो डालूं। तो देखिए, अभी हमने 0.5 का कट दिया, 5 mm का कट दिया सीधा, तो कितनी जल्दी प्रोग्राम जनरेट हो गया। तो अभी आपको मैं एक चीज़ करके बताता हूँ, स्टॉक को अपडेट करेंगे ना जब, तो आप वो स्टॉक वाली लेयर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो दिख रहा है। तो सॉलिड में तो ऐसे दिख रहा है ना, जो सॉलिड ब्लॉक है इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, बस इसके बाद मैं पोस्ट प्रोसेस का आपको बताऊंगा। तो जैसे कि अभी इसमें स्टेयर्स बने होंगे, देखिए कैसे। तो ये एक हाई स्पीड रफिंग बोल सकते हैं आप इसको, कुछ भी आप बोल सकते हो कि कितनी ये वो। तो देखिए जैसे जैसे वो रफिंग में हमारी पॉकेट को कट किया। तो चलिए अभी मैं आपको पोस्ट प्रोसेस के बारे में बताता हूँ कैसे करना है। आपको पोस्ट प्रोसेस करने के दो तरीके हैं। एक तो आपको यहाँ पे जो जैसे कंट्रोल पैनल बना है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, यहाँ से ये सिलेक्टेड होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। और ये नॉर्मल है, ठीक है, इसमें डेट वगैरह आएगी। अगर मैं आप इस पर पोस्ट प्रोसेस करूँगा, मान लीजिए ओके कर दिया, रिपोस्ट, और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है एग्जीक्यूशन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 100% कम्प्लीट हो चुका है। और यहाँ पे एक राउंड सा बन जाता है, पी प्लस हो गया, मतलब पोस्ट प्रोसेस। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे सेम वही कंडीशन रहेगी। अभी मैं चाहता हूँ मैंने प्रोग्राम देखने के लिए, तो हमें जाना पे यहाँ पे यूटिलिटी पे जाएंगे, यूटिलिटीज़ और यूज़र फोल्डर और ब्लॉक। ब्लॉक में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, पर मैंने इसका डेटा चेंज कर रखा हुआ है, तो मैंने इसको रखा हुआ है अपना डी में। ठीक है, तो जहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है वहाँ पे आपको मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ, प्रोग्राम सॉरी। तो अभी आप देखोगे हमारा पोस्ट प्रोसेस इधर नहीं है, सॉरी रूट है, इसमें होगा। ओके, अभी 7:55 हो, 7:55 नहीं, हमें टाइम के हिसाब से देखेंगे 6:32 पे हमारा प्रोग्राम कौन सा जनरेट हुआ है। 6:32, 6:32, तो ये तो हमारी फाइल है, हाँ यही है। आज की तारीख हमारी 8/18,
इसको हम ओपन करेंगे, हम यहाँ पे नोटपैड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे नोटपैड बन गया। तो हमने पहली कंडीशन यूज़ की थी ना, जिसमें नॉर्मल हमने कोई मशीन का कंटेंट नहीं डाउनलोड किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से ऊपर से स्टेप ओवर रेडियस जो हमने टूल दिया था ना, वही कॉर्नर रेडियस ये वो। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ, इसको डिलीट करना है पोस्ट प्रोसेस को, इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, रिमूव पोस्ट प्रोसेस। ओके, तो ये रिमूव हो गया। अगर मैं फिर से जनरेट करना चाहता हूँ, सिलेक्टेड है यहाँ पे, हम सिलेक्ट करेंगे दोसान ATC फानुक, ठीक है। अगर आप तीनों में से कोई भी करोगे ना, तो वो जो एक्स्ट्रा लाइन है टाइम डेट, वो आपको दिखाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, उसको रिमूव करने के लिए, उसको करने आप चाहते वो ना आए तो आपको दूसरा यूज़ करना चाहिए, जो मैंने दुसान का किया है उसमें सीधा सिंपल लाइन आएगी। सॉरी, अभी ये मेरा ये जनरेट हुआ ABC, ठीक है ना। अभी 6:33 हुए हैं, 6:33 आप देख सकते हो टाइम। तो आप जो आउटपुट है वो आप कहीं पे भी सेट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा, आप कौन से फोल्डर में चाहते हो। तो अभी आप देख सकते हो N001G55 कॉर्नर रेडियस डाया अलग से ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है, और RPM वगैरह फीड वगैरह तो सारा है, और यहाँ पे ये जेन्युइन प्रोग्राम बन चुका है हमारा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे इसको पोस्ट प्रोसेस कर सकते हैं, तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपका सिलेक्टेड होता है कौन सा पोस्ट प्रोसेस आप करना चाहते हो, और इनमें आपको कुछ नहीं करना। आपको एडिशन अगर अलग से लगाना, कूलेंट ऑन करना है, आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। जेड लेवल कटिंग ये अलग से एडिशन है, और स्टार्ट अगर आप कोऑर्डिनेट देना तो चाहते हो स्टार्ट पॉइंट्स के लिए भी, कहाँ से स्टार्ट हो अलग से प्रेफर करना चाहते हो आप कर सकते हो, पर इसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम UCS सेट कर देते हैं तो वो उसी पे वर्क करता है। मान लीजिए अगर आप UCS भी यहाँ पे सेट कर दोगे ना, अगर आप मशीन का वर्क इधर करवाना चाहते हो, तो ये सॉफ्टवेयर की यही खासियत होती है कि UCS अगर हमने सही कहीं पे भी सेट किया हो, अगर हम ऑफसेट लेने वक्त हमने उसी पॉइंट पे जहाँ पे हमारा UCS सेट है वहाँ पे हमने XYZ जीरो किया, और अपने कंपोनेंट के किसी भी हिस्से पे हम वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगली वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा कि आप UCS कहीं भी लगाओ, और एक कंपोनेंट के पर्टिकुलर हिस्से में भी आप वर्क कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको सारी डाई में ही वर्क करना है। तो बहुत जल्दी मैं अगली वीडियो भी लेके आऊँगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैंने बताया आपको उसका पता लग गया होगा। थैंक यू।